अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने यह सोचकर हाथ मिलाया था कि जाट और मुस्लिम बहुल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इन दोनों के एक साथ आने से कम दो दर्जन सीटों पर उन्हें जीतने से कोई नहीं रोक सकता और वे आसानी से बीजेपी को मात दे सकते हैं। कागजों पर यह गणित एकदम सही था, लेकिन कहते हैं ना कि कागजों पर जो चीजें तय होती हैं वह हकीकत में हो नहीं पाती, और अखिलेश यादव जयंत चौधरी के साथ कुछ ऐसा ही होता दिख रहा है, क्योंकि टिकटों के बंटवारे के साथ ही जाट और मुस्लिम एकता का हवाई किला ध्वस्त हो गया। सीट बंटवारे में मेरठ जिले का सवाल खास विधानसभा क्षेत्र आरएलडी हिस्से में आया, लेकिन आरएलडी ने अपना कैंडिडेट उतारने के बजाय समाजवादी पार्टी के नेता गुलाम मोहम्मद को टिकट दे दिया। सवाल खास वह विधानसभा क्षेत्र है जो जयंत चौधरी का खानदानी गढ़ रहा है। वहां चुनाव में 8 दशकों से भी ज्यादा वक्त से जाटों का दबदबा रहा। ऐसे में एक तो आरएलडी का अपना नेता को टिकट नहीं दिया जाना और ऊपर से जाट की जगह एक मुस्लिम को कैंडिडेट बनाना जाटों को खल गया। अब जब जाट ही बिदक गए तो आरएलडी का भविष्य समझा जा सकता है। आरएलडी के समर्थकों का कहना है कि इसका असर निश्चित रूप से पड़ेगा, क्योंकि आरएलडी के खाते में सीट नहीं आने से बुजुर्गों में काफी रोष है। सवाल खास के नजदीक आसपास के गांव जो आरएलडी के साथ अरसे से रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि यहां जब आरएलडी वोट करने वाला शायद ही कोई मिले। सबका यही कहना है कि यहां मुस्लिम कैंडिडेट उतारने की वजह से अब हम सभी बीजेपी की तरफ रुख करने लगे हैं। जाट महासभा ने भी रालोद प्रमुख जयंत चौधरी को वक्त रहते सुधर जाने की चेतावनी दी है। उसने खुला ऐलान कर दिया कि अगर सवाल खास विधानसभा क्षेत्र से कैंडिडेट बदलकर किसी जाट नेता को टिकट नहीं दिया गया तो एक भी जाट मतदाता इस गठबंधन को वोट नहीं देगा। जाटों से इस कठोर प्रतिक्रिया से हैरान सपा रालोद के नेता नुकसान की भरपाई में जुट गए हैं। राजकुमार सांगवान गुलाम मोहम्मद से जाकर मिले और अपना समर्थन बरकरार रखने का विश्वास दिलाया। राजकुमार वो जाट नेता है जिन्हें सवाल खास से आरएलडी का टिकट मिलने की उम्मीद जताई जा रही थी। ऐसा ही बवाल बागपत के आसपास भी मचा हुआ है, जहां आरएलडी ने अहमद हमीद को चुनाव मैदान में उतारा है। पिछले चुनाव में मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने बागपत से इन्हीं अहमद हमीद को चुनाव मैदान में उतारा था, जो 30,000 वोटों से मात खा गए थे। अब वो पाला बदलकर आरएलडी में आ गए तो उन्हें टिकट मिलने से जाटों में भारी गुस्सा है। वो इस बात से हैरान है कि एक तो मुसलमान, दूसरा पिछले चुनाव में भारी मतों से अंतर से हारा हुआ, फिर आरएलडी ने क्या सोचकर इन्हें अपना कैंडिडेट बनाया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जाटों के मन में मुसलमान को लेकर खास तरह का आग्रह है, दूसरी तरफ का हाल भी बिल्कुल ऐसा ही है। बगल के मुजफ्फरनगर जिले के 6 विधानसभा सीटों पर एसपी आरएलडी अलायंस ने एक भी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया है। इस कारण कादिर राणा जैसे दिग्गज मुस्लिम नेताओं के भविष्य पर सवालिया निशान खड़ा हो गया है। उन्होंने टिकट की आस में ही सपा ज्वाइन की थी। बुढ़ाना के जमील चौधरी कहते हैं कि मुसलमानों के वोट एसपी आरएलडी कैंडिडेट के अलावा बीएसपी के हाजी अनीस को भी जाएंगे। उन्होंने ईटी से कहा कि अगर उन्होंने एसपी आरएलडी गठबंधन ने जिले में एक भी मुसलमान को टिकट दिया होता तो चीजें कुछ अलग होती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। यूपी में खुद को सीएम पद का चेहरा बताकर प्रियंका वाड्रा अपनी बात से पलट गई। असल में एक दिन पहले प्रियंका ने इशारे में खुद को यूपी में कांग्रेस का सीएम कैंडिडेट बता दिया। यह बात और है कि उनकी बातों को गंभीरता से लेने की जगह लोग उनकी खिल्ली उड़ाने लगे। वजह ये कि यूपी में कांग्रेस कितनी सीटें जीत पाएगी इसका भी कोई किसी को कोई अंदाजा नहीं। जिस तरह से चुनाव बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच केंद्रित होता जा रहा है, वैसे लगता नहीं कि कांग्रेस 2-4 सीटें भी जीत पाएगी। हालांकि अपनी गलती का एहसास प्रियंका वाड्रा को जल्दी हो गया और अपनी बातों से उन्होंने पलटी मार ली और कह दिया, वह तो मैंने ऐसे ही खिंच कर कहा था। सवाल यह है कि क्या प्रियंका वाड्रा खिंच कर कोई बयान देने और फिर उससे पलटने की सियासत कर रही हैं? ऐसा है तो फिर कौन उनकी बातों को गंभीरता से लेगा। बकौल प्रियंका पहले तो झुंझलाकर कह दिया कि वह भी सीएम चेहरा हो सकती हैं। हालांकि उन्होंने बाद में स्पष्ट किया कि पार्टी मुख्यमंत्री का चेहरा तय करेगी, यह कांग्रेस पार्टी का तरीका है। इस दौरान प्रियंका गांधी ने विपक्षियों पर भी हमला किया। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दल असलियत को छुपाकर चुनाव के समय जाति सांप्रदायिकता पर आधारित मुद्दे उठा रहे हैं। वह उत्तर प्रदेश के विकास की बात नहीं करना चाहते हैं, इससे प्रदेश की जनता को नुकसान होगा और फायदा सिर्फ राजनीतिक दलों को होगा। प्रियंका गांधी ने कहा, कांग्रेस जनता की आवाज उठा रही है। कांग्रेस ने विकास, बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं की सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया है। चुनाव में इन पर चर्चा अहम है। प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर हमला करते हुए पूछा, इस सरकार ने बेरोजगारों और नौजवानों के लिए क्या किया है? यह चुनाव आने पर 25 लाख नौकरियां देने का वादा करते हैं, लेकिन कभी ये नहीं बताया कि नौकरियां कैसे लाएंगे और देंगे।
प्रियंका ने दावा किया कि कांग्रेस सरकार बनने पर 20 लाख नौकरियां दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि हमने नौकरी का दावा हवा में नहीं किया, इसके लिए पूरा घोषणा पत्र निकाला है। प्रियंका गांधी ने यूपी की योगी सरकार पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि 5 साल से उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार है, इनको पिछले महीने ही हवाई अड्डे, हाईवे का उद्घाटन करने और नई इंडस्ट्री लगाने के लिए मिला। प्रियंका ने कहा कि क्या इससे पहले योगी सरकार के पास समय नहीं था। उन्होंने कहा कि चुनाव के सिर्फ 1 महीने पहले प्रदेश सरकार घोषणाएं कर रही है, यही करना था तो ठोस तरह से करना चाहिए था। प्रियंका गांधी ने अखिलेश यादव पर कहा कि जब एक पार्टी सिर्फ 100 या 200 सीटों पर चुनाव लड़ती है तो ये बात साफ है कि वह बची सीटों पर कमजोर है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लिए अकेले चुनाव लड़ना और खुद को सशक्त बनाना बहुत जरूरी था। प्रियंका गांधी ने बिना नाम लिए मायावती पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि चुनाव भी आ गया फिर भी वो सक्रिय नहीं हुई। प्रियंका ने बसपा पर बीजेपी सरकार के दबाव की आशंका जताई। प्रियंका गांधी ने चुनाव से पहले गठबंधन के भी संकेत दिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसी भी तरह की चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन ऐसी कोई चर्चा नहीं हो सकी। उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। बीजेपी से खदेड़े जाने के बाद कांग्रेस में एंट्री पाने के लिए हरक सिंह रावत को 5 दिनों तक सोनिया गांधी के दरबार में नाक रगड़ने पड़े। बावजूद इसके उन्हें आसानी से एंट्री मिलती नहीं दिखी तो उन्होंने 2 पन्नों का माफीनामा लिख कर दिया। लेकिन मामला इतने पर भी नहीं बना। आखिर में तय हुआ कि हरक सिंह रावत कहीं पिछली बार की तरह इस बार भी पार्टी के साथ कोई खेला न कर दे, इसलिए उनकी बहू अनुकीति गोसाई को तो टिकट दिया, लेकिन हरक सिंह रावत को चुनाव मैदान में उतारने से बेहतर किसी दूसरे काम में लगाया जाए। मतलब कि हरक सिंह रावत का कांग्रेस चुनाव प्रचार करने में उपयोग करेगी और पार्टी उनसे दूसरे काम करवाएगी। हरक सिंह रावत के पास कोई दूसरा रास्ता था भी नहीं, इसीलिए उन्होंने कांग्रेस की सारी शर्तें मान ली, तब जाकर उनकी एंट्री हो पाई। अब हरक सिंह रावत अपने इलाके में कांग्रेस के लिए वोट का जुगाड़ करते दिखेंगे। हरक कोटद्वार से विधायक हैं, कोटद्वार में उनकी अच्छी खासी टीम है। इसके साथ ही लैंसडाउन सीट से हरक 2 बार विधायक रहे हैं। यहाँ उनकी बहू अनुकीति गोसाई सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में वहाँ लोगों के साथ जुड़ी हुई हैं। श्रीनगर, रुद्रप्रयाग और चौबटा खाली में भी हरक का अपना व्यक्तिगत प्रभाव माना जाता है। यदि देहरादून में देखा जाए तो सहसपुर सीट पर भी हरक की गतिविधियां लंबे समय से हैं। हरक ने बकायदा 2 पेज का बयान जारी कर वर्ष 2016 की बगावत के लिए माफी मांगी है। पूर्व सीएम हरीश रावत जिद पर अड़े थे कि लोकतंत्र के अपराधी होने की वजह से हरक को सार्वजनिक रूप से प्रदेश की जनता और कांग्रेस से माफी मांगनी पड़ेगी। हरक ने माफीनामा कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेजा है। हरक ने कहा कि भाजपा ने कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने के लिए कांग्रेस विधायकों का दुरुपयोग किया और लोकतांत्रिक तरीकों को तार तार कर दिया। भाजपा से निष्कासित होने के बाद संकट में फंसे हरक सिंह रावत के लिए सबसे बड़े मददगार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल बनी। हरक के पुराने मित्र गोदियाल ने अपने पुराने मित्र को मुसीबत से उबारने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। सूत्रों के अनुसार भाजपा की कार्रवाई के बाद अधर में फंसे हरक को कांग्रेस का ही सहारा था, लेकिन पूर्व सीएम हरीश रावत वर्ष 2016 की बगावत के दंश की वजह से हरक को फूटी आंख भी देखना पसंद नहीं करते थे। हालांकि हरक कैंप पिछले काफी समय से नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह के संपर्क में था, लेकिन भाजपा द्वारा निष्कासित किए जाने के बाद हरक के लिए राजनीतिक हालात 360 डिग्री पर घूम गए थे। कांग्रेस में एंट्री पर रोक न लगे इसके लिए हरक कैंप ने हरीश रावत कैंप की शरण लेना ज्यादा बेहतर माना। धीरे धीरे हरक के सुनियोजित तरीके से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने, वर्ष 2016 की बगावत पर खेत जुटाने से मामला कुछ नरम पड़ने लगा। इसे भी गणेश परिक्रमा का असर माना जा रहा था। गोदियाल तो पक्ष में थे ही, प्रीतम को भी कोई आपत्ति नहीं थी। 5 दिनों से चल रही पैरवी का नतीजा यह हुआ कि आखिरकार कांग्रेस में शीर्ष स्तर पर हरक की घर वापसी का रास्ता खुल गया। हालांकि हरीश की नाराजगी का मान करते हुए हरक के साथ कुछ शर्तें भी जोड़ी गई हैं। सूत्रों का कहना है कि अब तक के फॉर्मूले के अनुसार भविष्य में किसी भी प्रकार की आशंका से बचने हरक का इस्तेमाल चुनाव लड़ने के बजाय चुनाव लड़वाने पर किया जाएगा। उनकी बहू अनुकृति को जरूर लैंसडाउन सीट से टिकट देने पर सहमति बन चुकी है। एक वरिष्ठ नेता के अनुसार यह प्रारंभिक फॉर्मूला है। आगे हरक की उपयोगिता के अनुसार हाईकमान हरक को कुछ और भी जिम्मेदारी दे सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी नई पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस और नए सहयोगी बीजेपी के साथ पंजाब के चुनाव मैदान में हैं। कैप्टन का बीजेपी और सुचादेव सिंह डिडासा की पार्टी अकाली दल संयुक्त के साथ गठबंधन है। कैप्टन के निशाने पर नवजोत सिंह सिद्धू, चरणजीत सिंह चन्नी और कांग्रेस के साथ भगवंत मान भी हैं।
इसीलिए जब कैप्टन की तोप का मुहाना खुला तो इन सब पर जमकर बयानों के गोले गिरे। कैप्टन ने चरणजीत सिंह चन्नी और सिद्धू दोनों को निकम्मा कहा और आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट भगवंत मान को कॉमेडियन। अमरिंदर सिंह ने कहा कि भगवंत मान कॉमेडियन है, पंजाब को कॉमेडियन की जरूरत नहीं है, पंजाब को गंभीरता की जरूरत है। आज पंजाब में 600 किलोमीटर की सीमा पाकिस्तान से जुड़ी हुई है, इसकी रक्षा कोई कॉमेडियन नहीं कर सकता, आर्मी मिलिट्री कर सकती है। सत्तारूढ़ कांग्रेस में चन्नी और सिद्धू के बीच सीएम चेहरे को लेकर चल रही खींचतान पर भी कैप्टन ने अपनी राय दी। कैप्टन ने दोनों को निकम्मा कहा। अमरिंदर सिंह ने कहा कि सिद्धू और चन्नी दोनों रद्दी हैं, निकम्मे हैं। सिद्धू अस्थिर आदमी हैं, उनके पास सोचने की शक्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि दोनों में कोई भी पंजाब का मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है। उन्होंने कहा कि सिद्धू को मैं कहता हूं कि वह जाकर बाजवा और इमरान खान को झप्पी डाले। वह समझता है कि हिंदुस्तान के लोग इसे पसंद करेंगे। जब से मैंने सीएम पद संभाला था 2017 में, तब से लेकर मेरे इस्तीफा देने तक पंजाब के 83 जवान शहीद हुए हैं। सिद्धू को लेकर अमरिंदर सिंह ने आगे कहा कि उसे लगता है कि उसके ऐसा करने से देश में शांति आएगी। अगर वह दोनों देशों के बीच शांति ले आए तो मैं उसकी तारीफ करूंगा। खुद को चन्नी से बेहतर बताते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि मेरे मैनिफेस्टो में 500 पॉइंट्स थे, मैंने 92% पॉइंट्स तक पूरा किया था। यह इंडिया का रिकॉर्ड है। इससे पहले चंद्रबाबू नायडू ने अपने घोषणा पत्र के 83 पॉइंट्स किए थे। चन्नी और सिद्धू अमरिंदर से अच्छे हैं क्या? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र में जुगाड़ की सरकार और उद्धव ठाकरे के सीएम बनने के बाद संजय राउत ने गोवा में भी अपनी सरकार बनाने के दावे किए थे, लेकिन जब मौका आया तो कांग्रेस ने शिवसेना को कोई भाव नहीं दिया। इसीलिए अब वे शरद पवार की पार्टी के साथ दिल रखने के लिए गोवा में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तैयारी क्या, गोवा के बहाने अपनी खिज कांग्रेस पर निकाल रहे हैं। कांग्रेस को गठबंधन के लिए मना रही शिवसेना के संजय राउत बात नहीं बनती देख राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा पर तंज कसा और कहा कि लगता है हमें राहुल और प्रियंका से आत्मविश्वास उधार लेना पड़ेगा। राउत ने कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका जी से मेरी कई बार बात हुई, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा, इतना आत्मविश्वास उनके पास कहां से आ रहा है, मुझे ये नहीं समझ आता। अगर ऐसा है तो उनसे आत्मविश्वास उधार लेना पड़ेगा। उन्हें लगता है कि वे अकेले बहुमत के साथ जीत पाएंगे। इससे पहले राउत ने कहा था कि अगर गोवा में बीजेपी जीती तो उसकी जिम्मेदार कांग्रेस होगी। राज्यसभा सांसद ने कहा कि हमने कांग्रेस के साथ चर्चा की, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। शिवसेना और रांकम्पा ने गोवा में महाराष्ट्र की तरह महाविकास आघाड़ी बनाने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस नेताओं को लगता है कि वे अपने दम पर बहुमत हासिल कर सकते हैं। बीते दिनों राउत ने कांग्रेस के गोवा प्रभारी दिनेश गुंडू राव सहित अन्य नेताओं से मुलाकात की थी। गोवा में विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस भी मैदान में हैं। अरविंद केजरीवाल ने अमित पालेकर को आपका सीएम कैंडिडेट घोषित किया है। उधर शिवसेना के अलावा टीएमसी भी गोवा में कांग्रेस से गठबंधन के लिए बात की थी। लोकसभा सांसद और पार्टी नेता महुआ मोइत्रा ने कहा था कि पार्टी ने बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस से बात की थी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। राज्य में 40 विधानसभा सीटों के लिए 14 फरवरी को मतदान होगा और 10 मार्च को परिणाम आएंगे। गोवा में फिलहाल बीजेपी की सरकार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। ओम प्रकाश राजभर करते तो सियासत है, लेकिन लगता है कि सियासत करने के तौर तरीके वे अब तक नहीं सीख पाए हैं। यही वजह है कि जिसके साथ होते हैं उसके खिलाफ ही कुछ न कुछ ऐसा बयान दे देते हैं जिससे सामने वाला असहज हो जाए। इस बात को दूसरे तरीके से कहा जा सकता है कि वे जिसके साथ होते हैं उससे पीछा छुड़ाने के रास्ते पहले खोज लेते हैं। ओपी राजभर इन दिनों अखिलेश यादव के साथ चुनावी गठबंधन कर चुके हैं, लेकिन अचानक उनका मिजाज बिगड़ा या जुबान फिसली कि वे मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव को बाप नंबरी और बेटा 10 नंबरी कह बैठे। सुबह सपा नेता असल में ओम प्रकाश राजभर से सवाल पूछा गया कि आपके गठबंधन सहयोगी अखिलेश यादव के पिताजी रेप पर क्या बयान देते थे, आपको याद है? इस पर राजभर ने मुलायम सिंह यादव के बयान को दोहराते हुए कहा कि मैं उनके इस बयान का समर्थन नहीं करता हूं। इसके बाद जब उनसे पूछा कि आप उस गठबंधन के सबसे बड़े हीरो हैं, तो इस पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अब वो सपा नहीं है, अब नई सपा है और इसके मालिक अखिलेश यादव हैं। अब पिताजी को मुख्यमंत्री नहीं बनना है,
इसके पर उन्होंने कहा कि जब उनसे यह पूछा गया कि आपको याद है कि बाप नंबरी और बेटा 10 नंबरी, फिर जब उनसे पूछा गया कि इसका क्या मतलब है कि वे 10 गुना बयान देंगे, तो उन्होंने कहा कि वो 10 गुना कंट्रोल करेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने ओम प्रकाश राजभर की सुबह सपा के साथ ही शिवपाल सिंह यादव की प्रसपा, जयंत चौधरी की रालोद, संजय चौहान की जनवादी पार्टी, केशव मौर्य के महान दल, कृष्णा पटेल की अपना दल केमरावादी, एनसीपी और टीएमसी के साथ भी गठबंधन किया है। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुबह सपा की पकड़ राजभर समुदायों के बीच काफी मजबूत है। प्रदेश के करीब 10 जिलों में निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। 2017 के चुनाव में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुबह सपा ने करीब 8 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिनमें से उन्हें 4 सीटों पर जीत हासिल हुई। उन्होंने पिछला चुनाव भाजपा के साथ मिलकर लड़ा था और बाद में उन्हें योगी आदित्यनाथ की सरकार में मंत्री भी बनाया गया था, लेकिन बाद में उन्होंने भाजपा के साथ गठबंधन तोड़ दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। यूपी विधानसभा चुनाव के पहले अखिलेश यादव के सामने मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही। यादव परिवार में हुई टूट और अपर्णा यादव के बीजेपी में शामिल होने के सदमे से अखिलेश उभरे भी नहीं थे कि अब समाजवादी पार्टी के 2 विधायकों ने उनके खिलाफ बड़ा मोर्चा खोल दिया है। टिकट नहीं मिलने से नाराज 2 विधायकों ने बगावत का रास्ता चुन लिया है। अखिलेश यादव ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी ने अपने 2 मौजूदा विधायकों हाजी रिजवान और हाजी इमरान कुरैशी के टिकट काट दिए हैं, जिससे विधायक बगावत पर उतर आए हैं। मुरादाबाद देहात विधानसभा सीट से सपा विधायक और पूर्व मंत्री हाजी इमरान कुरैशी ने तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर पूंजीपति को टिकट देने का आरोप लगाते हुए कहा कि मैंने मंत्री और विधायक रहते हुए मुसलमानों के काम ज्यादा किए हैं, हो सकता है ये बात पसंद न आई हो और इसीलिए मेरा टिकट काट दिया। मैं समाजवादी पार्टी में 28 साल से था, अब जनता और मेरे समर्थक जो फैसला लेंगे मैं वो करूंगा। उन्होंने सपा प्रत्याशी पर कई गंभीर आरोप लगाए और उन पर आपराधिक मुकदमे होने का भी दावा किया। वहीं इस मामले में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हाजी नासिर कुरैशी ने पूर्व मंत्री और विधायक हाजी इकरान कुरैशी के आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि यह पार्टी अध्यक्ष का फैसला है, मैं समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी हूं और बड़ी जीत हासिल करूंगा। मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा सीट से सपा विधायक हाजी रिजवान का भी टिकट काट दिया गया है और वह भी नाराज चल रहे हैं। ऐसे में मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी का टिकट न मिलने से दोनों मौजूदा विधायक सपा प्रत्याशियों के खिलाफ बगावत कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। अपनी तरफ से चरणजीत सिंह चन्नी तमाम कोशिशें करते रहे कि वे भूपेंद्र सिंह हनी मामले से साफ बचकर निकल जाएं, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। चन्नी हनी और मनी के खेल में लगातार उलझते जा रहे हैं। बात ईडी के भूपेंद्र सिंह हनी के ठिकानों से शुरू हुई थी, लेकिन बढ़ते बढ़ते चन्नी से होते हुए कांग्रेस तक पहुंच गई। अकाली दल के विक्रम मजीठिया ने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के रिश्तेदार के यहाँ ईडी की रेड के दौरान मिले करोड़ों रुपए को लेकर हमला बोला है। अकाली दल ने सीएम चन्नी और हनी की तस्वीर और वीडियो जारी किए। इस दौरान अकाली ने कहा कि चन्नी के रिश्तेदार भूपेंद्र हनी के यहाँ 55 करोड़ की मनी ट्रेल का पता चला है। सीएम चन्नी और कांग्रेस को बताना चाहिए कि ये पैसा कहां से आया है। लाखों की रोलेक्स की घड़ियां और करोड़ों की प्रॉपर्टी कहां से आई, हनी का क्या काम धंधा है। अकाली दल ने कहा कि आज चन्नी के भ्रष्टाचार के एक्सपोज का पार्ट 1 है, बाकी 2-3 पार्ट आगे आएंगे। अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया ने गणतंत्र दिवस की तस्वीरें शेयर की। चन्नी और कांग्रेस के सीनियर नेताओं मंत्रियों के साथ भूपेंद्र हनी के मंच पर साथ साथ होने की तस्वीरें सार्वजनिक की। अकाली दल का दावा है कि चन्नी हनी और मनी का कॉम्बिनेशन है। चन्नी से राज में सब काम हनी के जरिए होते थे। अकाली दल ने यह भी कहा कि ईडी की जांच में यह भी पता चल जाएगा चन्नी के बेटे की शादी में सारा मनी हनी ने ही लगाया था। अकाली दल ने कहा कि भूपेंद्र हनी को चन्नी ने सिक्योरिटी कवर दिया था, इसके अलावा जिप्सी और पंजाब पुलिस के मुलाजिम उसकी सुरक्षा में लगाए गए थे। हनी की सुरक्षा में तैनात कमांडो का वीडियो भी अकाली दल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जारी किया। अकाली दल ने पूछा कि हनी की गाड़ी पर विधायक का स्टिकर और लाइट कैसे लगी थी। अकाली दल ने चन्नी के हल्के के एक सरपंच का स्टिंग जारी किया। स्टिंग में सरपंच इकबाल सिंह पर माइनिंग करवाने का आरोप है। अकाली ने आरोप लगाया कांग्रेस को अवैध माइनिंग से प्रति फुट 150 रुपए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।